क्रिकेट नेटवर्क में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के स्टार प्लेयर माने जाने वाले बाबर आजम भारत के खिलाफ बहुत ही बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इधर ही बीच इंटरव्यू में बाबर आजम ने खुद बोला कि आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप में भारत हमारा सबसे पहला दुश्मन होगा। भारत को हम सबसे पहले नंबर वन पर रखना चाहेंगे क्योंकि भारत के खिलाफ हर एक मुकाबला हमारा कांटेदार होता है और सारे फैंस आवाम का भी हमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद जुड़ा होता है। भारत हमारा मेन दुश्मन होता है क्रिकेट के नजरिए से। जिस तरह से देखे थे पिछले T20 मुकाबले में भारत ने कैसे हारा हुआ बाजी को जीत लिया और साथ ही साथ विराट कोहली जैसे प्लेयर को भी इस बार हम देख लेंगे। भारत हमारा असली दुश्मन होगा एशिया कप और आने वाले वर्ल्ड कप में। साथ ही साथ बाबर आजम ने कहा कि भारत के खिलाफ हम इस तरह से खेलेंगे कि भारत को हमारी रणनीति का पता ही नहीं चलेगा और इस बार हम नई रणनीति बनाकर मैदान पर उतरेंगे, भारत को मात देंगे क्योंकि भारत एक कमजोर टीम हो चुका है। पहले जितना भारत ताकतवर था भारत ताकतवर नहीं रहा। भारत की बॉलिंग लाइनअप को तो हम ऐसे ही छितर बितर कर डालेंगे और हमारी बॉलिंग लाइनअप इतना ज्यादा शानदार है कि भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तो बाबर आजम ने मीडिया के सामने कुछ इस तरह से बयान देकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश किया है। ऐसे बाबर आजम के इस बयान के बारे में आप क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, द क्रिकेट नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।